और वहां कबूतर या चिड़िया को मारता था उस राइफल से कि मैंने उतनी दारू पी है जितना कि आपने कभी पानी नहीं पिया। सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? अक्सर आपने सुना होगा कि पैसे के लिए काम मत करो, अपने पैसे को काम पर लगाओ। लेकिन आम मिडिल क्लास क्या करता है? अपने बच्चे को ये सलाह देता है कि अच्छा काम करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो और अच्छे जॉब लेकर अपनी लाइफ को सिक्योर करो और हर महीने परमानेंट एक सिक्योर जॉब तुम्हारे पास होनी चाहिए। यानी कि खुद मेहनत करो, मेहनत करके पैसा कमाओ। जबकि पैसे को काम करने पे लगाने का मतलब हुआ कि आपसे ज्यादा मेहनत आपका पैसा करे। जबकि यहां मिडिल क्लास के लिए क्या करता है कि मिडिल क्लास खुद ज्यादा मेहनत करता है और उसका पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में एफडी में आराम से पड़ा रिलैक्स कर रहा होता है। जबकि एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अपर क्लास, एक वेल्दी पर्सन का पैसा क्या काम करता है? वो पैसा उसके लिए काम करता है जबकि वो रिलैक्स कर रहा होता है। तो ये क्या है ये सब चीजें, आज वीडियो में यही जानते हैं हम लोग। तो आज मैं आपके पास शेयर करने वाला हूं चार ऐसे एग्जांपल जो मेरे रियल लाइफ एग्जांपल है और उस समय के एग्जांपल है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। और वो चारों एग्जांपल आपको बताएंगे और आप उनमें से ये डिसाइड करोगे कि आप खुद किस एग्जांपल में फिट होते हो। बात है उस समय की, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था यामाहा मोटरसाइकिल हुआ करती थी उस समय की सबसे प्रीमियम मोटरसाइकिल। वो कभी कभी पंचर हो जाया करती थी तो हम एक पंचर वाले के यहाँ जाया करते थे। लेकिन वो बड़ा मूढ़ी किस्म का आदमी था और उसका ऐसा डर था कि वो इस तरह की उसकी बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी, ऐसा रौब में दिखता था हमें और हमें बच्चे तो थे ही डर लगता था बात करते हुए भी। जब हम बाइक पर उसके यहाँ पंचर बनाने के लिए जाते थे तो उसके दुकान के पीछे एक गार्डन हुआ करता था। जनरली वो उस गार्डन में अपनी बड़ी सी राइफल जो दुकान में टंगी होती थी उसको लेकर वहां जाता था और वहां कबूतर या चिड़िया को मारता था उस राइफल से और बुलेट से मार के उसको पकड़ता था। और उसको उसके उस राइफल को देखकर हम डरते थे, ऐसा रुबाब था उसका। लेकिन था बड़ा मूडी, उसके यहाँ 5 ग्राहक खड़े होते थे लेकिन वो फिर भी राइफल लेकर बाहर घूम रहा होता था। लेकिन उस एरिया में एक ही वो पंचर बनने वाला था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसी मोनोपोली भी थी उसकी। लेकिन वो ज्यादातर समय दारू में रहता था, उसके खर्चे ज्यादा थे, इनकम कम थी और रुबाब के कारण लोग उससे करते गए। लेकिन उसने अपना वो हिसाब किताब नहीं छोड़ा। अभी 2 साल पहले कोविड के बाद में वो मुझे मिला। वो उस अपने शॉप के बाहर एक पेड़ के नीचे छोटी सी गुमटी लगाकर अपना पंचर का काम कर रहा था। मैंने उसको पहचान लिया, मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या है, तो वहां दुकान पे हुआ करता था। उसने कहा, सर मैंने तो जिंदगी जी है मेरी और जितना आप लोगों ने पानी नहीं पिया उससे ज्यादा मैंने दारू पी है। ये था उसका रुबाब। लेकिन हुआ क्या, हुआ असल में वो कि वो अपने आप में फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं था। उसने इवन अपने बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई और नहीं कोई फाइनेंशियल एजुकेशन दी। आज भी वो बच्चों को पैसे नहीं देता है, जबकि बच्चा उसके साथ पंचर के दुकान पे, उस छोटी सी दुकान पे काम करने लग गया है। उसका मकान बिक गया है, बीवी छोड़ के चली गई क्योंकि इतनी दारू पिया करता था और स्ट्रेस में टेंशन में था। लेकिन एक गुरूर था उसको कि मैंने उतनी दारू पी है जितना कि आपने कभी पानी नहीं पिया होगा। ये तो एक स्टोरी थी। यहां आप देखिए कि इसकी लाइफस्टाइल कैसी थी और कैसी हो गई, जो अपने अर्श पर था वो आ गया फर्श पर। अब हम बात करते हैं दूसरी बात है एक ऐसे उसी टाइम के मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर की, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे, एजुकेटेड थे और जानते थे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग क्या होती है। और वो जब भी उनकी सैलरी आती थी वो अपना पैसा एफडी में रखते थे। एक वो पुराना सा लैम्ब्रेटा स्कूटर, आप में से कई लोग जानते होंगे, लैम्ब्रेटा स्कूटर में चलते थे और वही चलाते थे। उन्होंने बच्चों को भी यही सिखाया कि एक सिक्योर जॉब लो, एक अच्छी सी जॉब कर लो, पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर ले लो और एक सरकारी जॉब कर लो जिससे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए। और वही उनके बच्चों ने किया। यानी कि उसने जो एक्सपीरियंस किया था, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, वही अपने बच्चों को एक्सपीरियंस दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट यानी कि एफडी करा के बैठे रहे। और आज उनकी ग्रोथ के नाम पर कुछ नहीं है, न उनके पास कार है, उसी पुराने मकान में रह रहे हैं। और आज इतना सा हो गया है कि वो लैम्ब्रेटा स्कूटर की जगह होंडा का एक बटन स्टार्ट स्कूटर उनके पास है, लेकिन उसी तरह से घूम रहे हैं। आज रिटायर हो गए, कोई स्पेशल ग्रोथ नहीं। यदि मुझसे पूछो तो ये 1980 की अमिताभ बच्चन की मूवी के वो टिपिकल सरकारी आदमी की तरह, सरकारी पुलिस ऑफिसर की तरह की जिंदगी जी रहे हैं,
जो बहुत ईमानदार हुआ करता था और उसी तरह की जिंदगी जीते हुए उनको मैंने आज देखा। तीसरा एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो एक्सपीरियंस है उसी टाइम के एक मैकेनिक की, जो मेरी यामा मोटरसाइकिल का मैकेनिक था और उसको ठीक किया करता था। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे लेकिन वो सामने एक गुमटी पे बैठा करता था और वहां से मैकेनिक का काम किया करता था, थोड़ा कमाता था और उस हिसाब से थोड़ा बचाता भी था। उसी ड्यूरेशन में उसको एक सीए मिल गया, जो सीए जो उसके यहाँ गाड़ी ठीक कराया करता था, उसकी मदद से उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरना चालू किया। कुछ समय बाद में उसके शॉप के सामने की एक दुकान सेल में आई, यानी कि सरकार ने उसको ऑक्शन किया। जब उसने ऑक्शन किया तो उसने वो दुकान 4 लाख रुपए में परचेज की, जिसमें से उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए था। उसने 1 लाख रुपए दिया और 4 लाख में परचेज की, यानी कि 3 लाख बैंक से फाइनेंस किया। चूंकि वो रिटर्न बढ़ता था इसलिए उसको बैंक से फाइनेंस मिल गया। अब वो धीरे धीरे उसने जिस तरह से इसने ये दुकान ली उसी तरह से उसने मकान भी लिया, लोन पर लिया लेकिन मकान लिया। जैसे जैसे उसके पास पैसा होता था वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेता और उस पर लोन लेता और लोन लेने के बाद में उसको धीरे 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 चुकाता रहता। उसका बच्चे को भी उसने यही एजुकेशन दी और उसने कहा बच्चे को कि कुछ धंधा कर, कुछ बिजनेस कर। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता था तो सेकेंड हैंड बुक्स का काम करने लगा और थोड़ा जब बड़ा हुआ, मुश्किल से 10th 12th तक पढ़ाई की होगी उस बच्चे ने, और उसने बच्चे को लगा दिया काम पर कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हमें मटेरियल चाहिए होता है, यानी कि कुछ सामान चाहिए होता है, तो दिल्ली से लेके आ और हम यहाँ बेचेंगे। वो बच्चा दिल्ली जाता था और यहाँ लाके सामान बेचता था और कमाता था, और जो भी कमाता था उसका वो इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में और रेंटल इनकम में करता। और साथ में उस बच्चे ने भी एक स्पेयर पार्ट का शोरूम बना लिया और आज अपने शहर में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये था तीसरा केस। क्या आप इन 3 केस में से कहीं आते हैं या फिट होते हैं इस चौथे केस में जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं? उसी पीरियड में कॉलेज के टाइम पर मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उनके पापा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में सर्विस किया करते थे। वेल एजुकेटेड थे, अच्छे अधिकारी किस्म के आदमी थे और वो बच्चा भी उन्हीं की गाइडेंस में चलता था। वो जब भी सेविंग होती अपनी लाइफ जीते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे, और साथ में जितनी भी सेविंग होती थी, जो भी बचत होती थी, वो किसी न किसी फेरा कंपनी के शेयर बाई करते थे। फेरा कंपनी मतलब उस जमाने की एशियन पेंट्स, पॉन्ड्स, कॉलगेट, हिंदुस्तान लीवर, इस तरह की कंपनी में शेयर बाई किया करते थे। और साथ में 93 के आसपास उन्होंने 93-95 के आसपास इंफोसिस और HDFC बैंक जैसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया और आज तक वो इन्वेस्टेड है। आज तक उन्होंने लाइफ में कभी कोई शेयर नहीं बेचा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को भी साथ में एक अच्छी एजुकेशन दी। आज उनके दोनों बच्चे फॉरेन में हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल अभी भी वह, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता रियल एस्टेट पर, उनको विश्वास होता है तो सिर्फ इक्विटीज पर, बिजनेस पर, और वो अच्छे बिजनेस को सर्च करते हैं और सिर्फ उसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। इन चारों लोगों में से आप किस कैटेगरी में आते हैं, जरा विचार कीजिए, अपने आप को सोचिए। लेकिन बीइंग ए इंडियन यह तो पक्का है कि हमें बचत सिखाया जाता है। 50% से ज्यादा लोग हम बचत करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? आज से हजारों साल पहले हम किस तरह से व्यापार किया करते थे, बिजनेस किया करते थे, जरा इसको हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हजारों साल पहले हम बचत की आदत हम में थी, लेकिन उस समय हम क्या बचत किया करते थे? हम अनाज बचत किया करते थे, क्योंकि हमें 1 साल 2 साल के लिए अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, सेफ्टी देने के लिए हमें खाने के लिए अनाज चाहिए होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट उस समय यही था कि आप अनाज को बचत करो, उसको बचा के रखो। और आज जानवर भी क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। किस लिए? कि बारिश का मौसम आएगा, हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो हम आज कुछ ना कुछ बचत कर लेते हैं। तो ये ह्यूमन, न सिर्फ ह्यूमन बल्कि जानवरों की भी ये टेंडेंसी होती है कि बचत करना उनकी इनहेरिट नेचर में आता है। तो बचत करना हमारी नेचर में है और हमें बुरे टाइम के लिए बचत करनी भी चाहिए। और आज से पहले तक, यानी पुराने टाइम तक जब बचत करते थे तो इस वे में बचत करते थे कि या तो हम अनाज बचत करते थे या पशुधन, उस समय पशुधन हुआ करता था, उसमें बचत किया करते थे। और उसके बाद में जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो करने लगा, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, तो वो गोल्ड एज ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर में बचत करने लगे। तो ये तीनों चीजें बचत का बेस्ट साधन हुआ करती थी। और जब तक करेंसी के फॉर्म में गोल्ड या सिल्वर चलती रहती थी, तब तक हम यदि करेंसी कोई परचेस करते थे या बचत करते थे गोल्ड या सिल्वर में, और जब
चीजों के दाम बढ़ती थी तो साथ में गोल्ड और सिल्वर के भी दाम बढ़ती थी। जब चीजों के दाम बढ़ी तो गोल्ड के दाम बढ़े, तो जितना हम अनाज पिछले साल परचेस कर पाते थे उतना ही अनाज परचेस करने के लिए हमें लगभग उतना ही गोल्ड देना पड़ता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, और यही कारण है कि हमारी पूर्वजों ने इन्फ्लेशन को नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ बचत समझा, इन्वेस्टमेंट नहीं समझा। लेकिन जब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज मिलकर बैठती हैं कि यह बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में बिजनेस काफी बढ़ने लगे, इंटरनेशनल बिजनेस काफी होने लगे। तो उस कारण से क्या हुआ कि बिजनेस काफी जब बढ़ने लगे तो उस बिजनेस को सेटल करने के लिए गोल्ड और सिल्वर से सेटल किया जाता था एज ए करेंसी। लेकिन गोल्ड और सिल्वर को कैरी करना इतना ईजी नहीं था, उनको सेफ रखना इजी नहीं था, उनको कैरी करने में डाकुओं का डर हुआ करता था, चोर उचक्कों का डर हुआ करता था। तो इस तरह की और भी कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने लगी। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लगभग 1945 के आसपास की बात होगी, यह डिसाइड किया गया कि डॉलर को वर्ल्ड की करेंसी के रूप में कंसिडर किया जाए और वर्ल्ड का सारा बिजनेस डॉलर में किया जाए। लेकिन इसके पीछे यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस किया कि हम जितना डॉलर इशू करेंगे उस डॉलर के अगेंस्ट में उसी अमाउंट का गोल्ड अपने पास रखेंगे, यानी कि कभी भी कोई भी चाहे तो डॉलर देकर गोल्ड ले सकता है हमसे। इस तरह की कंडीशन के साथ में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो अभी तक जो करेंसी यानी कि गोल्ड या सिल्वर जो स्टोरेज वैल्यूएशन के रूप में काम आया करती थी, क्योंकि वो खराब नहीं होती थी, कैरी करने में इजी हुआ करता था और उसकी स्टोरेज वैल्यू के साथ साथ मीडियम और एक्सचेंज की तरह वो काम किया करती थी, उसी गोल्ड सिल्वर को डॉलर में करेंसी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ, जब किसी के पास कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हुआ करता था उसको सेल करने की पर उसको जो गोल्ड मिलता था उसकी जगह डॉलर मिलने लगा और डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगी और डॉलर की अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट हो गई। यहां तक की स्टोरी तो ठीक है, यहां तक जो चल रहा था यहां तक आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, सिर्फ बचत करते थे आपका काम हो जाता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कब, जब 1971 में पहली बार यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि वर्ल्ड बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि इस समय लिमिटेड करेंसी से काम चलाना पॉसिबल नहीं है और हम डॉलर को 100% की जगह डॉलर के अगेंस्ट में सोना रखने की जगह 100% कुछ 50% या कुछ कम सोना रखेंगे और ज्यादा डॉलर इश्यू करेंगे। और यहां से कहानी स्टार्ट होती है सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि एक्स्ट्रा मनी सप्लाई जो एक्चुअल में नहीं थी लेकिन सप्लाई हुई, जिसके कारण लोगों के पास पैसा बढ़ने लगा। पैसा बढ़ने लगा तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ने लगी, सेवाओं की डिमांड बढ़ने लगी और ये डिमांड बढ़ने लगी तो उनके प्राइस बढ़ने लगे और यही कहलाया इन्फ्लेशन, और इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन। और 70 के बाद में ही रियल में देखा जाए तो इन्फ्लेशन जैसी कोई चीज आई, लेकिन हमारी जनरेशन अभी तक क्या समझ रही थी, सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट समझ रही थी, वो सेविंग करती रही उस कागज की करेंसी में जिसकी सप्लाई कभी भी सरकार बढ़ा सकती है। तो यहां जो ट्विस्ट आया वो जब तक हम समझते तब तक 1990-95 आ चुका था और तब तक हम लोगों ने यानी कि आम आदमी ने सेविंग को एफडी या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को ही इन्वेस्टमेंट समझा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी जनरेशन ने इसी को इन्वेस्टमेंट समझा और हमें भी वही सिखाया। जैसा कि पहले चार एग्जाम्पल में जिस पेरेंट्स का जैसा एक्सपीरियंस था वैसा ही उसने अपने बच्चों को दिया। तो ये 1970 के बाद में सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस स्टार्ट हो गया, और जो अभी तक सेविंग और इन्वेस्टिंग एक मानते थे उसमें डिफरेंस हो गया। जो सेविंग वो हुई जो करेंसी में इन्वेस्टमेंट होती है यानी कि पेपर करेंसी में, और इन्वेस्टमेंट वो हुआ जो एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है। एसेट क्लास समय के साथ प्राइस इंक्रीज होती है, जबकि पेपर करेंसी है उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही थी। तो यहां आते आते इन्वेस्टमेंट के तीन ऑप्शन आपके पास आ गए। मैं सेविंग की बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, जिसमें नंबर एक गोल्ड, नंबर दूसरा रियल एस्टेट और नंबर तीसरा बिजनेस यानी कि व्यापार में इन्वेस्टमेंट करूं जो ज्यादा अर्न कर रहा हो। उस समय इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हो चुकी थी 1970s के आसपास, जिसके कारण बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लग रही थी, तो इंडस्ट्री के साथ फैक्ट्रीज लग रही थी, फैक्ट्रीज के लिए बड़े पैसे की जरूरत थी और उस बड़े पैसे के लिए लोगों से बाजार से इक्विटी रेज करनी पड़ रही थी, यानी कि आप एज ए शेयर होल्डर उन कंपनीज में पार्टनर बन रहे थे। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज वहां खुल चुकी थी, तो ये एक नया एसेट क्लास डेवलप हो गया। और आज यदि हम देखते हैं तो आप बताइए इंडिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है, मुकेश अंबानी जी। वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन है, इलॉन मस्क। और इंडिया की रिचेस्ट लेडी कौन है, सुधा नारायण मूर्ति।
रिचेस्ट एनआरआई इंडिया का कौन है? लक्ष्मी निवास मित्तल। ये सब रिच है, फेमस है, और रिच और फेमस है तो गुड लुकिंग तो अपने आप हो जाएंगे। यदि रिच, फेमस और गुड लुकिंग है तो इनकी रिचनेस यानी कि इनका पैसा सबसे ज्यादा कहां इन्वेस्टेड है? क्या आपको लगता है कि इन्होंने पैसा एफडी करा रखी है, एलआईसी करा रखी है, एनएससी ले रखी है, पीपीएफ ले रखा है? यदि इन जगह इन्वेस्टमेंट होता जहां हम मिडिल क्लास का होता है तो फिर ये रिच नहीं होते। तो इनका पैसा जहां इन्वेस्टेड है तो वो ही रिच होने का सबसे बड़ा साधन है। तो क्यों ना हम ये देखें कि ये कहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनमें से ज्यादातर लोग, दे ऑल हैव इक्विटीज इन लिस्टेड कंपनीज। यदि आपको भी रिच होना है तो यही इन्वेस्टमेंट करना होगा। और यहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें वही करना होगा जो ये कर रहे हैं, यानी कि व्यापार में, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लिस्टेड कंपनीज के शेयर लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी के पास सारे शेयर रिलायंस के हैं, लेकिन वो उनका बिजनेस है। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप बिजनेस के साथ साथ बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो आपको नॉलेज, जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप उसके शेयर होल्डर बन जाए, शेयर होल्डर यानी कि हिस्सेदार आप उसके बन जाए, तभी पॉसिबल है। और यदि बिजनेस आपके इन्फ्लेशन से ज्यादा अर्न कर रहा है, जो जनरली करता है, तो आप उससे ज्यादा अर्न करेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन का जो मिसमैच है उससे उसको आप बीट कर पाएंगे। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जितनी महंगाई बढ़ रही है उससे ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। जरा इमेजिन कीजिए, 1000 रुपए का नोट यदि आपने 1998 में लॉकर में रख दिया तो उस समय कितना परचेज कर सकते थे सामान, लेकिन क्या आप उतना ही सामान आज उस नोट को निकाल के परचेज कर पाते हैं? यदि नहीं कर पाते हैं तो यही इन्फ्लेशन है, और इसको बीट करना आज के टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अभी तक हमने बात किया कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में फर्क क्या है। हमारा एज ए इन्वेस्ट आसोरकल हमारा एक विजन है, कन्वर्टिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री ऑफ सेवर्स टू कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि सेवर्स से बढ़ाकर चेंज करके इन्वेस्टर बनाना, यही हमारा विजन है। और इसी विजन के इर्द गिर्द आज का ये वीडियो था। इन्फ्लेशन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।